तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे आधार में कौन सा मोबाइल नंबर फीड है। तो उसको जानने का बहुत ही आसान तरीका है, जिसे हम चेक करेंगे अभी आपके सामने। क्रोम आपके मोबाइल पे हो तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मैं अपने पीसी में अपना क्रोम ओपन करता हूँ। जैसा कि मेरे सामने मेरा क्रोम है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये रहा मेरा क्रोम, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं डालूँगा अपना, जैसे आप डाल सकते हैं UIDAI। मैं यहाँ पे आधार कार्ड डाल के सर्च कर रहा हूँ। जैसे ही आप आधार कार्ड डालोगे, यहाँ पे ऊपर की जो वेबसाइट आई है उसे ओपन करना है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अभी हमारे सामने आधार का पोर्टल आ चुका है। थोड़ा समय लग रहा है, मतलब पोर्टल को सही तरीके से खुलने में। तो हम नीचे चल के चेक कर लेते हैं। जहाँ पे हमें आधार सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, वहीं पे आधार वेरीफाई का ऑप्शन होगा, जिसे हमें ओपन करना है। चलिए नीचे चलते हैं। ये रहा वेरीफाई आधार, आधार सर्विस में मिला। अभी थोड़ा टाइम लगेगा सही तरीके से खुलने में। अभी शायद खुल गया। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, वेरीफाई और आधार, इस लिंक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है, जहाँ पे हमें 12 डिजिट का अपना आधार नंबर डालना है। मैं डाल देता हूँ, और कैप्चर कोड डालना पड़ेगा। इसे फिलअप करने के बाद वेरीफाई आधार पे आप क्लिक करेंगे। यदि आपका आधार नंबर सही होगा तो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर लिंक है आपके मोबाइल नंबर से, वो शो कर देगा। जैसा कि मेरा आ चुका है, यहाँ पे दिखा रहा मेरा एज बैंड, मेल, स्टेट, कौन से स्टेट से हम हैं, और हमारा मोबाइल नंबर। जैसे कि मेरे आधार कार्ड में मेरा मोबाइल नंबर फीड है, तो मेरे मोबाइल नंबर दिखा रहा है। अब मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर फीड नहीं है, तो फिर तो जिसका मोबाइल नंबर फीड नहीं होगा, उसके यहाँ पे मोबाइल नंबर शो ही नहीं करेगा, यानी कि दिखेगा ही नहीं। और कैसे पता करना है कि कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप लास्ट के डिजिट से अपने नंबर को मिला सकते हैं। यदि आपका नंबर है तो ठीक है, वरना आपको फिर आधार सेंटर में जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको अपना चेंज करवाना पड़ेगा, जाके बदलवाना पड़ेगा। अगर लिंक नहीं है फिर भी जाना पड़ेगा, अगर किसी दूसरे का नंबर लिंक है फिर भी जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप जान सकते हो कि कौन सा मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में फीड है। ये बहुत ही आसान तरीका है।